नमस्कार दोस्तों, 60 क्वेश्चन के बाद में अब चलते हैं आगे की तरफ, लेकिन पहले 59 का देख लेते हैं। रजनी दर्पण नाटक के नाटककार का नाम बताइए। तो ये नाटक है मनु भंडारी का। तिल चट्टा किस नाटककार का नाटक है? मुद्रा राक्षस का। सक्रिय कहानी के प्रवर्तक का नाम बताइए। राकेश वत्स। सक्रिय कहानी के प्रवर्तक का नाम है राकेश वत्स। अमंगल के स्थान में मंगल शब्द किसका निबंध संग्रह है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। भाषा रहस्य किसकी आलोचनात्मक रचना है? भाषा रहस्य, यह श्याम सुंदर दास की। साहित्य समालोचना किसकी आलोचनात्मक रचना है? साहित्य समालोचना तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। नई कविता का आत्मसंघर्ष किस रचनाकार की आलोचनात्मक रचना है? मुक्तिबोध की रचना है। नई कविता का आत्मसंघर्ष मुक्तिबोध की आलोचनात्मक रचना है। चोटी की पकड़, काले कारनामे किस उपन्यासकार के उपन्यास हैं? तो ये निराला के हैं। चोटी के पकड़, काले कारनामे में निराला के उपन्यास हैं। अगला है चेतना के बिंब किसका संस्मरण साहित्य है? नगेंद्र का संस्मरण साहित्य है। पृथ्वीराज चौहान की जीवनी किसने लिखी? राम नरेश त्रिपाठी ने पृथ्वीराज चौहान की जीवनी लिखी। नेक्स्ट है तेरी मेरी उसकी बात। तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के और के उपन्यास का सॉरी तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास का के उपन्यासकार का नाम बताइए। यशपाल। सच्चिदानंद हीरानंद वाटसन अगे को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? आंगन के पार द्वार पर। आंगन के पार द्वार रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता के नए प्रतिमान किसकी आलोचनात्मक करती है जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचनात्मक करती है जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? गणानंद को कहा जाता है। नेक्स्ट है एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। निर्मल वर्मा को उनके संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 1999 में। महादेव वर्मा को उनकी चुनी हुई कविताओं के संकलन यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? 1982 में। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूटन किसकी आत्मकथा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। काव्य मीमांसा किसका ग्रंथ है? राजशेखर का। ये काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वामन माने जाते हैं। अगला है पतितों के देश में कैदी की पत्नी, चिता के फूल, जंजीरें और दीवारें किसकी रचनाएं हैं? पतितों के देश में कैदी की पत्नी, चिता के फूल, जंजीरें और दीवारें किसकी रचनाएं हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी की। अगला प्रश्न है महाराणा का महत्व किसका काव्य संग्रह है? जयशंकर प्रसाद का। योगी हरि की रचनाओं का नाम बताइए। साहित्य विहार, वीर सत्सई, वीर सत्सई सूर्यमल मिशन की भी है, प्रेम शतक, प्रेम पथिक, वीर विरुदावली, चरखे की गूंज, वीर विरुदावली, चरखे की गूंज, संक्षिप्त सूर्य सागर, ये योगी हरि की रचनाएं हैं।
अगला है, भूत के पांव पीछे तट की खोज, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर किसकी रचनाएं हैं? हरिशंकर परसाई की। भूत के पांव पीछे तट की खोज, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की। अगला है, वीर हमीर चित्तौड़ की चिता चित्र रेखा जोहर किस एकांकीकार के काव्य हैं? अब देखो, वीर हमीर चित्तौड़ की चिता चित्र रेखा जोहर किस एकांकीकार के काव्य हैं? यानी ये चार रचनाएं हैं और ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काव्य हैं। अगला है, कबीर का रहस्यवाद किसकी आलोचनात्मक रचना है? तो राम कुमार वर्मा की आलोचनात्मक रचना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के रचनाकार का नाम बताइए? तरुण विजय है। कबीर का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? तो कबीर का जन्म है 1938 में हुआ, नहीं 1398 में हुआ, काशी के समीप मगहर में। यानी कबीर का जन्म 1398 में काशी के समीप मगहर में हुआ। कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। सूरदास का जन्म कब हुआ? 1478 में दिल्ली के निकट सिही ग्राम में माना जाता है। तुलसीदास का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ। बिहारी का जन्म कब हुआ व कहाँ हुआ, दोनों क्वेश्चन है, कब हुआ कहाँ हुआ? ये 1595 में हुआ ग्वालियर में। और एक जो बिहारी परिचय दिया गया है उसमें इसको यानी मिसप्रिंट रूप में दे दिया गया, जिसके बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। मीराबाई का जन्म कब हुआ और कहाँ माना जाता है? मीराबाई का जन्म 1498 में मेड़ता के कुड़की नामक ग्राम में माना जाता है। यानी 1498 में हुआ और मेड़ता के कुड़की ग्राम में माना जाता है। अगला है, नगर शोभा किसकी रचना है? रहीम की रचना है, जिनका जन्म 1553 में हुआ था। यानी रहीम की रचना है नगर शोभा और उनका जन्म 1553 में हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी की किस रचना को प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? हिमतरंगिणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण का दूत कार्य किसकी रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की है तथा ये प्रबंध काव्य रश्मि रथि से उद्धृत है। यानी अपने कोर्स में जो कविता है उसका नाम है श्री कृष्ण का दूत कार्य और रश्मि रथि काव्य है उसके अंदर से ये उद्धृत की गई है। अगला है, मेरा जीवन किसकी कविता है? मेरा जीवन सुभद्रा कुमारी चौहान की, जिसमें आशावादी और कुशल जीवन जीने का आह्वान किया गया है। अगला है, सरयू पार की यात्रा लखनऊ की यात्रा हरिद्वार की यात्रा यानी सरयू पार की यात्रा लखनऊ की यात्रा हरिद्वार की यात्रा यात्रावर्त किन के द्वारा विरचित हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। विलायत यात्रा किसका यात्रा वृतांत है? प्रताप नारायण मिश्र का विलायत यात्रा। गुमकर शास्त्र किसका यात्रा वृतांत है? राहुल सांस्कृत्यान का यात्रा वृतांत है। तूफानों के बीच किसका रिपोर्टाज है? रांगे राघव का रिपोर्टाज है। तूफानों के बीच क्षण बोले कण मुस्कए किसका रिपोर्टाज संग्रह है? तो ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का रिपोर्टाज संग्रह है। रिनजल गंजल धंजल किसका रिपोर्टाज है? फणीश्वरनाथ रेणु का रिपोर्टाज है। रिनजल धंजल फणीश्वरनाथ रेणु का रिपोर्टाज है। लोक संत पीपा का जन्म कब हुआ? विक्रम संवत 1390 के आसपास झालावाड़ जिले के गागरोन नामक स्थान पर हुआ
और ये वहाँ के राजा थे, यानी गागरोन के राजा बने थे, और बाद में यानी क्या बन गए, संत बन गए, और संत भी रामानंद की प्रेरणा से बने, और रामानंद के पास लाव लश्कर के साथ पहुँचे, तो लाव लश्कर के साथ पहुँचे तो रामानंद ने मिलने से मना कर दिया, और उसके बाद उन्होंने सारा धन है वो गरीबों में बांट दिया, और खुद है वो उपदेश देने लगे। पहले ये देवी के उपासक थे, यानी मूर्ति पूजा करते थे, और फिर ये निर्गुण संत बन गए, और इन्होंने शरीर को ही सबसे बड़ा देवस्थान माना है। लोक संत पिपा ने किन से दीक्षा ली, रामानंद से दीक्षा ली। रामानंद ने पीपा से मिलने से मना क्यों कर दिया, पीपा ठाट बाट के साथ रामानंद से मिलने गए थे, यानी राज से ठाट बाट के साथ गए थे। पीपा ने किस भक्ति को प्राथमिकता दी, तो पीपा ने निर्गुण भक्ति को प्राथमिकता दी। पहले ये क्या थे, मूर्ति पूजक थे, देवी दुर्गा के उपासक थे, लेकिन बाद में क्या है, इन्होंने यानी रामानंद की प्रेरणा से यानी कबीर मार्गी धर्म अपना लिया। कन्यादान किसकी कविता है, ऋतुराज की। युग धारा किसका काव्य है, संग्रह नागार्जुन का काव्य संग्रह है, यानी युग धारा है वो नागार्जुन का काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है, सतरंगे पंखों वाली हजार हजार बाहों वाली तुमने कहा था पुरानी जूतियों का कोर्स, किस रचनाकार की रचनाएं हैं। तो ये नागार्जुन की रचनाएं हैं, सतरंगी पंखों वाली हजार हजार बाहों वाली तुमने कहा था पुरानी जूतियों का कोर्स, पुरानी जूतियों का कोर्स, ये नागार्जुन की रचना है। नागार्जुन मैथिली भाषा में किस नाम से रचनाएं लिखते थे, यात्री नाम से, यानी यात्री नाम से वो रचनाएं लिखते थे। नागार्जुन का मूल नाम क्या था, वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का मूल नाम था। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तालाब की मछलियाँ, ओम मंत्र, भूल जाओ पुराने सपने, रचनाओं के रचनाकार का नाम बताइए। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तालाब की मछलियाँ, ओम मंत्र, भूल जाओ पुराने सपने, रचनाओं के रचनाकार का नाम है नागार्जुन। नागार्जुन कल और आज, नागार्जुन की कविता है, यानी कल और आज में किसका वर्णन किया है। नागार्जुन की कविता जो अपने पाठ्यक्रम में है उसमें कल और आज में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है, यानी वर्षा ऋतु का वर्णन किया है कल और आज में। नागार्जुन ने उषा की लाली में किसका चित्रण किया है, नागार्जुन ने उषा की लाली में सूर्योदय के समय प्रकृति का चित्रण किया है, प्रकृति का चित्रण किया है। निराला की मातृवंदना कविता में कौन सा भाव मुखर हुआ है, राष्ट्र प्रेम का भाव मुखर हुआ है। राजा कौन था, राजा कृपाराम खिड़िया का सेवक था, कृपाराम खिड़िया का क्या था, सेवक था, ये सीकर जिले से संबंधित है, कृपाराम खिड़िया का सेवक था। राजा रसोटा किसकी रचना है, कृपाराम खिड़िया की। अब इनके दो में हमेशा क्या आता है, राजा का नाम आता है, लेकिन राजा और कृपाराम खिड़िया का संबंध सेवक और स्वामी का था, और राजा निसंतान था, अतः इस उसको इस बात का दुख था कि वो गुमनाम हो जाएगा, तो कृपाराम खिड़िया ने अपने हर दोहों में राजिया का नाम लिया, यानी एक तरह से राजिया संबोधन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृपाराम खिड़िया के नाटक का नाम बताइए, नाटक का नाम है चालकनेसी, कृपाराम खिड़िया के नाटक का नाम है चालकनेसी। और अगला 120 नंबर का क्वेश्चन है, काव्य कला तथा अन्य निबंध किसका निबंध संग्रह है, जयशंकर प्रसाद का निबंध संग्रह है, यानी जयशंकर प्रसाद के निबंध संग्रह का नाम काव्य कला तथा अन्य निबंध।